हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 13 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है लंदन से मुंबई का समुद्री मार्ग डैश को नहीं छूता। बताइए किसे नहीं छूता है? तो वह है अलेक्जेंड्रिया। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वह है देहरादून में। ओके, ये जो है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की घटक प्रयोगशाला है और इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? तो वह हुई थी दोस्तों 1960 में। ठीक है, ये क्या है, इस संस्थान का कार्य जो है पेट्रोकेमिकल उद्योग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है उसके लिए और उनकी प्रक्रियाओं तथा उत्पादों में विकास करने के लिए किया जाता है और ये जो है पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मानव निर्धारित करने के लिए भी सहायता करता है। ठीक है, जो मानक निर्धारित होते हैं उन सब के लिए भी ये सहायता करता है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद मठ का सबसे प्रसिद्ध गीत का नाम बताइए। बताइए कौन सा है वह है? तो दोस्तों वह है वंदे मातरम। ओके, ये जो है दोस्तों आनंद मठ, इसके रचयिता कौन है बताइए, किसने लिखी है ये? तो दोस्तों वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये जो है बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जो कब हुआ था पब्लिश? 1882 में, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर है दोस्तों? तो वह है छत्तीसगढ़ नदी पात्र पर। ओके, ये जो है इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 90 फुट है और जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर जो स्थित है इंद्रावती, वहाँ पर है ये, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा समानांतर अक्षांश रेखा भारत को करीब करीब दो समान भागों में विभाजित करता है? बताइए दोस्तों कौन सी रेखा है वह, क्या है वह? तो दोस्तों वह है कर्क रेखा। ओके, ये जो है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर, जो ग्लोब होता है वहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है और यह रेखा पृथ्वी पर उन पांच प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिस इन वंडरलैंड द्वारा लिखी गई है। बताइए दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह है लेविस कैरोल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो वह है बीजापुर में। ओके, ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और यह उद्यान जो है दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। इंद्रावती नदी के नाम पर यह बनाया गया है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा महाराष्ट्र राज्य के साथ इस संरक्षित वन की उत्तरी सीमा बनाती है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय शासक जिसने अपने राज्य के खर्चे पर हज यात्रा का संचालन किया था कौन थे वह, बताइए दोस्तों। तो वह था फिरोज तुगलक। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का प्रधान डाक कार्यालय कौन सा है जहां पहली बार कंप्यूटरीकृत व्यवस्था शुरू की गई, बताइए दोस्तों। तो वह है नई दिल्ली। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे विशाल उद्यान यानी पार्क कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों इनमें से वह कोई नहीं है। ओके, और दोस्तों जो विश्व का सबसे विशाल उद्यान है, पार्क है, वो कौन सा है बताइए? तो दोस्तों वह है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है,
ये जो है अमेरिका में वायोमिंग, मोंटाना और आयोडोडा राज्यों की सीमा क्षेत्रों में स्थित है। और इसकी स्थापना और देखरेख की शुरुआत कब हुई थी बताइए, तो वह हुई थी 1 मार्च 1872 को राष्ट्रपति यूलेसिस एस ग्रांट ने प्रस्ताव को कानून के रूप में देकर की थी। और ये जो है दोस्तों अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकूट बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है बताइए, तो वह है दोस्तों इंद्रावती पर। ओके दोस्तों, ये जो है इंद्रावती ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है बताइए, तो वह है दोस्तों अनसुईया उइके। सीएम है भूपेश बघेल, और जो कैपिटल है वो कौन सी है बताइए, तो दोस्तों वह रायपुर, और रायपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दोस्तों 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं, कौन कौन से हैं बताइए, तो फर्स्ट है सीता नंदी, नेक्स्ट है अचानक मार, बादलखोर, गोमाडा, बरनावा पारा, तिमोर, पिंगला, सेमरसोत, बेरमगढ़, पामेर, उदंटी, बोरमदेव, याद रखिएगा दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है बताइए, तो दोस्तों वह है थॉमस कप। ओके ये जो है इसके संस्थापक थे सर जॉर्ज थॉमस, और जो ये जो कप है किससे रिलेटेड है बताइए, तो दोस्तों वह है बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन में टीमों की संख्या कितनी होती है बताइए, तो वह होती है दोस्तों 16, और सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है बताइए, तो दोस्तों वह है इंडोनेशिया नेशनल बैडमिंटन टीम, इन्होंने क्या है 13 खिताब जीते हैं, ठीक है। अभी जो जापान को 3-1 से पराजित कर चीन ने 10वीं बार था जीता था थॉमस कप, ठीक है। बैंकॉक शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन ने जापान को रविवार को 3-1 से पराजित कर 6 साल के अंतराल के बाद पुरुषों की विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप का खिताब जीत लिया था, ठीक है। और दोस्तों इसमें दिया हुआ है रोहिंटन बैरियर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, चारमीनार चैलेंज कप, ये जो है इनका रिलेशन है दोस्तों क्रिकेट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा जनजाति द्वारा कोसी वस्त्र का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया जाता है बताइए दोस्तों, तो वह होता है दोस्तों बस्तर में। ओके ये जो है दोस्तों कोसा जनजाति ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और क्वेश्चन के लिए SSC मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हर सोशल साइट पेज कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके और दूसरों का भी हेल्प हो सके और भला हो सके, ठीक है दोस्तों, हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA डैश से अस्तित्व में आया बताइए, कब आया था दोस्तों, तो वह आया था 29 जुलाई 1957 को। ओके दोस्तों ये जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके इसका जो उपयोग है उसको रोकना चाहता है। और जो ये है IAEA को 29 जुलाई 1957 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। जो संयुक्त राष्ट्र था उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय संगठन संधि यानी IAEA को कानून के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी SAARC किस वर्ष अस्तित्व में आया दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तो बताइए कब आया था, वह आया था दोस्तों 1985 में। ओके ये जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, वह हुई थी 8 सितंबर 1985 को, और कहाँ पे हुई थी दोस्तों बताइए, तो वह हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। इसका जो सचिवालय है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था बताइए दोस्तों, तो वह था बिंबिसार। ओके ये जो था मगध साम्राज्य का सम्राट था, और वह हर्यक जो वंश था वहाँ का था,
उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के जो मौर्य साम्राज्य था वहां के विस्तार का आधार बना था। याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में CAD का तात्पर्य क्या है, बताइए क्या मतलब होता है। तो दोस्तों वह है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो दोस्तों वह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ओके, ये जो है 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। इसके अलावा 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अधिकरण की संस्थापना कहाँ हुई थी, बताइए दोस्तों। तो वह हुई थी द हेग में। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। रूस का दावा था कि बीते 14 वर्षों में ICC ने सिर्फ 4 फैसले दिए थे और करीब 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए, और नीदरलैंड के हेग स्थित मुख्यालय वाले इस न्यायालय की स्थापना हुई थी 1998 में और जुलाई 2002 को, 1 जुलाई 2002 को जब रोम अधिनियम पर 120 देशों ने हस्ताक्षर किए तब से इसने काम करना शुरू किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर कौन सा प्राणी अंकित है, बताइए कौन सा होता है। तो वह दोस्तों बाघ यानी टाइगर। ओके, इसके अलावा खजूर का पेड़ भी अंकित है और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह को बोर्ड ने 23 फरवरी 1935 को अपनी बैठक मंजूरी दी थी, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।